So here we are going to talk about Allama Iqbal. He gave the idea of Pakistan, and we are going to discuss about the influence of Allama Iqbal on Pakistan and the idea of Pakistan and how he gave it. But we will also discuss about his early life. So Allama Iqbal, he was a great poet. अभी भी जो है उनकी किताबें पढ़ी जाती दुनिया भर में. एंड ही वॉज अ थिंकर, वो सोचते थे. ही वॉज अ थिंकर एंड ही वॉज अ फिलोसफर, स्कॉलर एंड पॉलिटिशन. ऑल राइट. वेन अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न, इट वॉज़ द टाइम ऑफ ट्रबल फॉर इंडियन मुस्लिम्स. जो इंडिया में लोग रहते थे उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था जब अल्लामा इकबाल जो है पैदा हुए. 300 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ अल्लामा इकबाल, हिज फैमिली एम्ब्रेस इस्लाम. 300 साल पहले ही जो है ना अल्लामा इकबाल की जो फैमिली थी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था. ठीक है. तो ही वॉज लाइक दैट. सो इन द इनिशियल लाइफ ही वॉज बॉर्न ऑन अ फ्राइडे नवम्बर 9, 1977 एंड अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न इन सियालकोट विच इज़ अ सिटी इन पंजाब. इकबाल गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम मिशन स्कूल एंड डिड हिज इंटरमीडिएट फ्राम मरीज कॉलेज सियालकोट एंड बैचलर्स फ्राम बी ए मीन्स बैचलर्स फ्राम इस्लामिया कॉलेज लाहौर. देन ही डिड हिज मास्टर्स इन फिलोसफी फ्राम इस्लामिया कॉलेज लाहौर. सो लाइफ एंड हिज अर्ली करियर. फ्राम 1899 टिल 1905 अल्लामा इकबाल सर्वड एज अ लेक्चरर. लेक्चरर वो होता है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाता है. ठीक है. ही टॉट फिलोसफी इन ओरिएंट कॉलेज लाहौर, जो कि लाहौर में ओरिएंट कॉलेज. इन 1905 अल्लामा इकबाल वेंट टू जर्मनी वेयर ही डिड हिज PhD इन फिलोसफी. म्यूनिक गए थे जर्मनी में. जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक, वहाँ से उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की इन फिलोसफी. पॉलिटिकल करियर. इन 1926 अल्लामा इकबाल स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इस्लामिक इंपीरियल लेजिस्लेशन काउंसिल. ठीक है. ये जो है वो एक काउंसिल थी जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते थे रिलेटेड टू मुस्लिम्स एज वेल एज पंजाब में जो जो मसले थे उनको भी डिस्कस किया जाता था इस काउंसिल के अंदर. तो ही बिकेम द मेंबर ऑफ दैट काउंसिल. सो इन द स्टार्ट अल्लामा इकबाल बिलीव्ड के हिंदू मुस्लिम्स जो हैं वो यूनिटी के साथ एक साथ रह सकते हैं. बट लेटर ऑन जो कांग्रेस पार्टी थी इंडिया में, पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने जो है अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया. दे बिकेम एक्सट्रीमिस्ट एंड दे स्टार्टेड टू बी वेरी फिटफुल टूवर्ड्स द मुस्लिम्स. तो उन्होंने जो है ना अपना अपर हैंड रखना शुरू कर दिया. सो दैट इज़ बिकॉज अल्लामा इकबाल ने अपना जो व्यू था इस बारे में वो चेंज कर लिया. एंड ही एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग ही सही हैं और हमें जो है ना सेपरेट होमलैंड मिल जाना चाहिए. इन 1930 अल्लामा इकबाल क्लियरली डिस्कस टू नेशन थ्योरी एज द कोड कंडक्ट और इस्लाम वे ही डिस्कस इस्लाम एज कोड ऑफ कंडक्ट एंड वे ऑफ लाइफ. मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन, डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट. इन तीन चीज़ों का क्या मतलब है कि इस्लाम जो है हम इस्लामी तरीके से ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं. सेकेंड कि मुस्लिम जो हैं वो सेपरेट नेशन है तो उनको सेपरेट जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए. एंड इन द एंड ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स. So the death of Allama Iqbal died on 21st April in 1938 due to throat infection. Unki gale mein infection ho gaya tha and because of that he died. Some people believe that unka diagnosis sahi nahi hua tha, unko kuch aur masla tha, unko diagnosis sahi nahi hua tha and that is the reason he died so early. He was buried in front of Badshahi Mosque. Badshahi Mosque कहाँ पे? लाहौर में है. If you ever been to Lahore, you must have seen Allama Iqbal's grave. And ये अलग से बनाई हुई है in गुजरी बाग. And you can see the picture over there. This is the tomb of Allama Iqbal.